नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेस में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो चलो भाई, आज जो है देखो, हम लास्ट टाइम कर रहे थे अपने इक्वेशंस को सॉल्व, तो आज भी करेंगे उसे कंटिन्यू। कहता है जी आप इन इक्वेशंस को जरा सॉल्व करें, अगर कंसिस्टेंट है तो बताएं और इनकंसिस्टेंट है तो भी बताएं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो अच्छे होंगे मेरी तरह बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हम सीधा मैट्रिक्स बनाते हैं अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लाइक जो है। अब यहाँ पे चार इक्वेशन है, क्वेश्चन मेरा जो है करवाने का पूरा एम बस एक है कि चार अगर इक्वेशन है अननोन तीन है तो उस केस में हम जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, 1, 2, -1, 3, वेरी गुड। ये हो जाएगा अपना 3, -1, ये हो जाएगा 2, ये कितना 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा अपना 2, -2, 3, 2, ये हो जाएगा अपना 1, -1, 1 और ये -1। तो चलो भाई बन गई अपनी मैट्रिक्स, इसके बाद जो है बीच में डाल देते हैं लाइन हर बार की तरह। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसको इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं भाई, ये R1 है, आप R2 में से इसका 3 टाइम्स जो क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें, आप R3 में से इसका 2 टाइम्स जो है वो सबट्रैक्ट कर दें, आप R4 में से जो है R1 को सबट्रैक्ट कर दें। तो कुल मिला के लगाएंगे 3 ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन बोलो क्या, R4 में से जो है आप R1 को सबट्रैक्ट कर दें, वेरी गुड। दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे जी, आप R3 में से जो है R1 को तो सबट्रैक्ट करें बट पहले दूसरे मल्टीप्लाई कर लें, और आप R2 में से भी जो है R1 को सबट्रैक्ट करें लेकिन पहले 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर ही लें। तो इनको कर देते हैं बॉक्स में पैक, क्योंकि ये अपने ऑपरेशंस, और इनको परफॉर्म करने के बाद देखो जो अपनी मैट्रिक्स है वो किस तरीके से रिड्यूस होती है। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे जो है तो बीच में लाइन डाल देंगे अपनी, और यहाँ देखो अपना R1 जो है वो एज इट इज 1, 2, -1, 3, और 3 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे कि मतलब 3 जो है देखो R2 में से इसका 3 टाइम सबट्रैक्ट करोगे 0, -1 पहले से है इसको मल्टीप्लाई करो 6, -1, -6, -7, उसके बाद जो है देखो 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -3, और माइनस और एक माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, वेरी गुड। यहाँ पे अपना 1, और 1 में से जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 1 -9 विच इज -8, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो 2 में से 2 गया तो अपना 0, ये माइनस का 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और माइनस तो -2 और -4, -6। यहाँ पे देखो जरा अपना ये है 3, और यहाँ पे 3 है, इसके बाद जो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये ऐड हो जाएगा अपना तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो है अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है R3 की बात कर रहे हैं तो R3 अपना 2, और 2 -6 -4। इसके बाद देखो अब बात करते हैं R4 की, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे 0, -1 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे -3, और 1 में से -1 सबट्रैक्ट करोगे 2, उसके बाद जो है -1 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -4। देखो हम क्या कर रहे हैं, -1 में से 3 सबट्रैक्ट कर रहे हैं -4। अब जो है हम और किस तरीके से देखो इनको 0 कर सकते हैं, यहाँ देखो देखो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये 5 ये 5, क्या मैं R2 में से R3 जो है सबट्रैक्ट कर दूं। चलो भाई आप लोग कह रहे हो तो कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R2 में से जो है हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे जी, R3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा हर बार की तरह अपने ऑपरेशन को किस में डालेंगे, रेड बॉक्स के अंदर। और अब जो है देखो मैट्रिक्स किस तरीके से रिड्यूस होगा, तो मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे अपना R3 में से जो है मतलब R2 में से जो है R3 सबट्रैक्ट करने वाले हैं, तो R1 अपना एज इट इज, वेरी गुड, 1, 2, -1 और अपना 3, 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा बोलो 0, वेरी गुड, -7 और -6 तो कितना बचेगा अपना -1, +5, 5, 0, वेरी गुड, -8 और +4 कितना बचेगा अपना नेगेटिव का 4। R3 अपना एज इट इज -0, 6 और अपना 5, -4, 0, -3, 2, -4,
अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है -4 -4 तो कुछ बात बनी, हम R3 में से अब क्या करें R2 को सब्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अब हम जो है R3 में से जो है जी R2 को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो लिखते हैं ऑपरेशन, करते हैं बॉक्स में पैक और मैट्रिक्स को करते हैं रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो देखो मैट्रिक्स अपना कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, इधर बचेगा 1, वेरी गुड, 2 -1, इधर 3, इधर अपना 0 -1 0 -4, 0 में से 0 गया, बोलो 0, -6 में से -1 गया, -5, 5 में से 0 गया, 5, 4 में से 4, 0, ये अपना एज इट इज है कि नहीं। अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको भी जो है 0 कर सकते हैं, कैसे, R2 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो R4 में से R2 क्या करने वाले हम सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R4 में से भैया आप लोग जो है वो R2 को क्लास कर दें। तो इसको पैक करते हैं बॉक्स में और परफॉर्म करते हैं अपना ऑपरेशन। तो करते हैं भैया यहाँ पर देखो मैट्रिक्स किस तरीके से अपना रिड्यूस हो जाएगा, इधर ये अपना ये हो जाएगा अपना 1, वेरी गुड, 2 -1 अपना 3, और ये हो जाएगा अपना 0 -1 0 -4, और ये 0 -5 5 0, 0 में से 0 गया, बोलो बन गए 0, -3 में से -1 गया कितना बचेगा -2, 2 में से 0 गया बन गए 0, और -4 में से -4 गया 0। अभी देखो एक चीज है ना बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो मजा आ जाएगा, कैसे आएगा अभी देखो आप। तो लिखते हैं जी हम R3 को तो जो है ना आप 5 से डिवाइड कर दें, और जो आपका R4 है ना जी उसको तो आप जो है 2 से डिवाइड कर दें। तो एक बार ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या बदलाव आता है या हमारे लिए जो है वो क्या आसानियाँ पैदा होती है। तो इनको बॉक्स में कर ही देते हैं पैक, और चलो भाई करते हैं डिवाइड, और तो क्या ही है। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मैट्रिक्स अपने को, ये हो जाएगा अपना 1 2 -1, वेरी गुड, ये हो जाएगा 0 -1 0, ये हो जाएगा 0 -1 1, और ये हो जाएगा 0 -1 1, इधर अपना 3, इधर -4, इधर 0, इधर 0। अभी देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं R4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और उसी के साथ फिर हम क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। चलो तो R4 में से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं R3 को सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट और देखते हैं फिर क्या अपना सवाल रहता है, क्या जवाब आता है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा अपना, देखो 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 देखो, इधर ये अपना, इधर 3, इधर -4, भैया 0 में से 0 जाएगा तो क्या ही बचेगा, 0 ही बचेगा ना, देखो तो 1 2 -1 0 -1 0 0 -1 1, 0 में से बन गया 0, -1 में से -1 गया बन गया 0, 1 में से बन गया 0। तो आप देखो जो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या बची अपने पास, ये ग्रीन वाली, इसकी रैंक कितनी आ गई, 3, भाई ये तो पूरा 0 हो ही है ना, बट जो आपकी ऑगमेंटेड है वो भी कितनी आई रैंक, 3 ही रैंक आ रही है, ये तो अपना पूरा 0 है। तो आपकी जो रैंक है वो ए की और ऑगमेंटेड की इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है अपनी कंसिस्टेंट। और देखो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ अननोन्स है यानी कि 3 है x y z, क्या वो रैंक के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, यूनिक। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, सबसे पहले देखो ये -y किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाना है, बोलो कैंसिल, तो y कितना आ गया अपना 4, इसको कर दे पैक। तो भाई कह रहे हो आप लोग तो पैक कर देते हैं, तो y अपना 4 आया। और देखो जरा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, -y + z = 0, भाई हम क्या करते हैं a × x = b, a अपना ये रहा, x अपना xyz और b ये रहा, तो सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ, तो z किसके इक्वल आ जाएगा अपना y के इक्वल, और y कितने अपना बोलो 4, तो z भी भैया कितने आए अपने 4 आ गए। इनको भी क्या कर दें, बॉक्स में पैक कर दें। चलो भाई आप लोगों की डिमांड है तो कर ही देते हैं।
और एक इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, ये स्पेस का मैं थोड़ा सा पट एडजस्ट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री। देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं वाई और जेड की, फोर, एक्स पता नहीं, ये देखो जी ये अपना थ्री आया, मतलब वाई फोर था तो एट और ये माइनस फोर, तो एक्स आ गया अपना प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री, एक्स कितना आया बोलो माइनस वन। तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसको पिक करने का सिर्फ एक ही मेरा मोटो था कि आपको ये समझाना कि कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ अननोन कम हो, तो घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बार जो है वो आ चुका है अपना, आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें भी और आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस अपने को गिवन है, कहता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या है, हमें लैम्डा और म्यू की को कंडीशंस बतानी है और जब इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो या इन इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या इन इक्वेशंस के पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे अपनी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरी करिएगा हेल्प। यहाँ क्या आएगा देखो, वन 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 और इधर ऐसा डाल के जो अपना सिक्स, ये क्या आएगा अपना वन टू थ्री, इधर दस, ये अपना वन टू लैम्डा, इधर अपना म्यू। तो सबसे पहले बताओ भाई क्या करेंगे, इस वन से इन दोनों को जीरो, तो ऑपरेशन क्या लगाया जाए सर, क्या कहते हो, R2 में से R1 क्या कर दिया जाए, खलास कर दिया जाए, और R3 में से भी R1 क्या कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। तो चलो भाई कह रहे हो तो कर देते हैं ऑपरेशन, इनको डालेंगे बॉक्स के अंदर और ये कर दिया है बॉक्स में पैक। अब देखो जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद मैट्रिक्स क्या बचेगा अपने पास, ये हुआ वन 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 सिक्स, इसके बाद जीरो, दो में से एक गया एक, तीन में से एक गया दो, दस में से छह गए चार, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, लैम्डा माइनस वन, तो भाई लैम्डा माइनस वन तो लैम्डा माइनस वन ही रहता है, और ये हो जाएगा अपना म्यू माइनस सिक्स। ठीक भाई, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी जो है जीरो बना सकते हैं, कैसे, R3 में से R2 क्या कर दो, खलास, तो लगाया ऑपरेशन, तो कह रहे हो तो ये लो जी R3 में से जो है आप R2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको करते हैं बॉक्स में पैक, और बॉक्स में पैक करने के बाद लगाते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ देखो जो अपना मैट्रिक्स है वो क्या बचेगा, अपना R1 as it is, तो 1 1 1 6, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, अच्छे तो 1 ही रहेगा भाई, ये हो जाएगा अपना 2 और ये 4। यहाँ देखो 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, लैम्डा माइनस 1 में से 2 गया तो लैम्डा माइनस 3, वेरी गुड, म्यू माइनस 6 में से 4 गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना ले क्या, ये जो है ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। अभी देखो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि अपना वो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक के लिए कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ अननोन तीन है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो भी तीन होनी चाहिए, ऑग्यूमेंटेड जो पूरी है उसकी भी जो है रैंक वो तीन होनी चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, वो लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन की, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी रैंक जो है वो अपनी कितनी रहे, तीन ही रहे, इसका मतलब लैम्डा जो है वो जीरो वैल्यू नहीं ले सकता। अगर देखो लैम्डा जो है वो जीरो वैल्यू ले लेगा तो एक ही रैंक जो है वो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, और एक ही रैंक दो हो गई, और आपका म्यू दस भी नहीं हो सकता, अगर आपका म्यू दस हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और रैंक जो है वो दो आ जाएगी, और अननोन अपने तीन है, तो उस केस में अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो है बात क्या है कि अपना यूनिक सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यूनिक में जो है
हमारी ये जो है देखो ये मैट्रिक्स जो अपनी ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 होनी चाहिए, ऑग्यूमेंटेड की 3 होनी चाहिए और अननोन भी जो अपने 3 होने चाहिए। तो बात क्या निकल कर आई कि आपका लैम्डा जो है वो 3 नहीं हो सकता। अच्छा म्यू को अगर चेक करें, म्यू मान लो अगर अपना 10 हो जाता है, म्यू अगर अपना 10 हो भी जाता है लेकिन लैम्डा तो 3 नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नॉन जीरो बच जाएगा। तो अपनी जो मैट्रिक्स ए है इसकी भी रैंक 3 आएगी, ऑग्यूमेंटेड की भी 3 आएगी, भले ही आपका जो म्यू है वो 10 हो जाए। तो कंडीशन क्या निकल के आई, लैम्डा 3 ना हो और म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। वेरी गुड, तो लिख देंगे म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। अब जरा बात कर लेते हैं नौ सॉल्यूशन की, कि कोई भी सॉल्यूशन जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ये कब होता है, जब अपनी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक इक्वल ना आए। ये कब हो सकता है कि आपका लैम्डा तो 3 हो जाए, मतलब इसकी रैंक तो 2 हो जाए, बट ये जो अपना 10 ना हो। अगर ये 10 नहीं होगा तो ऑग्यूमेंटेड की रैंक जो है वो 3 रहेगी, ए की रैंक 2 हो जाएगी, रैंक हो गई मिसमैच, और मिसमैच होगा तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो देखो इनफाइनाइट में क्या सीन रहता है, आपकी जो रैंक है ए की और ऑग्यूमेंटेड की क्या रहनी चाहिए, सेम, बट जो रैंक है दोनों की वो नंबर ऑफ अननोन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा अपना 3 हो जाए और म्यू अपना 10 हो जाए तो बात जो है वो बन जाएगी। ये दोनों अगर 0 हो गए तो आप देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ए की रैंक 2, पूरे ऑग्यूमेंटेड की रैंक 2, दोनों की रैंक इक्वल है, इसका मतलब कंसिस्टेंट तो है, बट जो आपके अननोन है वो 3 है, रैंक 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपके, इनफाइनाइट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों टाइप समझ आए होंगे।